सो हे व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों मैं हूं मेघराज और आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से जो डिलीट हुए फोटोज थे, वीडियोस थी, उनको किस प्रकार रिकवर कर सकते हैं। एक सिंपल स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि आप सभी की इतनी क्यूरीज आ रही थी, बहुत से व्यक्ति हमसे ये जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा और भी सॉफ्टवेयर है जिनके जरिए हम अपने फोटोज वीडियोज को रिकवर कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं एक ऐसा तरीका है, कैसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके जरिए आप आपके वीडियोस फोटोज को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि फोटोज वीडियोस को रिकवर करने के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जिन तरीकों से आप आपके फोटोज वीडियोस को रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपका मोबाइल जो कि नए अपडेटेड वर्जन का है तो उस मोबाइल में आपको सिंपली करना क्या होगा दोस्तों, उसमें आपको अपनी गैलरी फंक्शन में जाना है। वहां पर एक ऑप्शन आपको शो हो जाएगा रिसाइकल बिन का। रिसाइकल बिन ऑप्शन केवल उन्हीं मोबाइल्स के अंदर शो होता है जो मोबाइल नए अपडेटेड वर्जन के होंगे। कुछ मोबाइल्स में रिसाइकल बिन कुछ अलग नाम से शो होगा, आपके में ट्रस्टेड या कुछ ट्रस्ट फाइल्स कुछ अलग अलग टाइप से ये नाम से शो हो सकता है। तो आप उसे एक बार चेक जरूर कर ले, हर एक मोबाइल में ये फंक्शन फिलहाल अवेलेबल किया जा रहा है। और आपके जो फोटोज वीडियोस थे वो 90 दिन से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए, यानी 90 दिन से ज़्यादा पुराने फोटोज नहीं होना चाहिए। ये केवल 90 दिन तक के ही फोटोज को रिकवर कर सकता है। आगे चल के मैं आपको मोबाइल पर भी इस चीज़ को समझाऊंगा। इसी के साथ अगर आपके फोटोज ज़्यादा पुराने हैं तो उनको रिकवर करने के लिए आपको आपके लैपटॉप्स की सहायता लेनी होगी, क्योंकि लैपटॉप की सहायता से ही आप आपके फोटोज को रिकवर कर पाएंगे। ये कैसे किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने लैपटॉप पर चलेंगे, वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार हम अपने फोटोज को रिकवर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं वो अपने लैपटॉप के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप्स पर आ चुका हूं। ये सॉफ्टवेयर है वंडरशेयर वाले का, वंडरशेयर का, जो कि मैंने एक डॉक्टर फोन एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया था। तो उसमें बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट ये आ रहे थे कि वो ये जानना चाहते कि क्या लैपटॉप से कैसे रिकवर किया जाता है। तो कोई हमें पूरी प्रॉपर वीडियो बनाकर आप बताइए कि हम लैपटॉप से किस प्रकार अपने फोटोज को रिकवर करेंगे। फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स, मैसेज सबको आप रिकवर कर सकते हैं इसके जरिए। तो सिंपली आपको इसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन जैसे हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपकी बहुत सी क्यूरीज रहती है, बहुत से फ्रेंड्स हमसे बार बार ये जानना चाहते थे कि क्या कोई तरीका है जिसके जरिए हम रिकवर कर सकते हैं, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन के जरिए बहुत से व्यक्ति रिकवर करते हैं। मैंने तो पहली बार जैसे मेरे कोई फोटोज़ को मेरे डिलीट होते तो मेरे तो ऑटोमेटिक मेरे फ़ोन में एक अपडेटेड वर्जन का है तो उसमें रिसाइकल बिन का ऑप्शन आता है, तो मैंने उसका यूज़ किया है। लेकिन मैं इसका फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो इसके जरिए आप आपके फोटोज़ वीडियोज़ को रिकवर कर पाएंगे अगर आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल हो जाती है तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। फिलहाल ये हमारी पहली वीडियो है जो हम अपने लैपटॉप के जरिए आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों क्या है कि हम अपने लैपटॉप पर इतने ज़्यादा काम नहीं करते हैं, अधिकतर काम हम अपने मोबाइल से ही करते हैं। तो मैं पीसी का भी यूज़ नहीं करता हूँ, लैपटॉप का भी यूज़ नहीं करता हूँ। फिलहाल मेरे पास दोनों रखे हुए हैं लेकिन मैं इनका यूज़ बहुत कम करता हूँ। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन हमारी जैसे इंस्टॉल हो जाती है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका हम किस प्रकार यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली इंस्टॉल करने का तरीका देखने वाले हैं। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे करेंगे। तो चलिए हमारी एप्लीकेशन जैसे ही कम्प्लीट हो जाती है तो हम इसका यूज़ करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन पर भी जरूर क्लिक करें, क्योंकि हम ऐसी ही नई से नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप देखते रहें। दोस्तों तो इसकी इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। इससे आप आपके ब्रोकन यानी डैमेज फ़ोन के भी फोटोज़, वीडियोस, मैसेज जो भी थे वो सब कुछ आप रिकवर कर पाएंगे। उसी के अलावा अगर आपके फ़ोन से डिलीट हो गए थे किसी भी कारणवश तो आप उनको भी रिकवर कर पाएंगे। ये 1 ईयर तक के फोटोज़ वीडियोज़ को रिकवर कर देता है, यानी 1 साल पुराने फोटोज़ वीडियोज़ को रिकवर कर देता है। तो ये काफ़ी हद तक ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। लेकिन अगर आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं तो आप उन्हें रिकवर करने के लिए अदर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे। आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए वो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो ये एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है दोस्तों।
सिंपली अब हमें करना क्या होगा, इसे ओपन करना होगा। इस पर हम डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस आएंगे जिनका आप यूज करेंगे। तो दोस्तों ओपन करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और आप इसका यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक कर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं और ये फिर ओपन हो चुकी है। और अब दोस्तों आपके सामने बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं जिनमें डेटा शेयरिंग्स, फोन मैनेजर और बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। इनमें दोस्तों आपको अपने मोबाइल को सबसे पहले कनेक्ट करना होगा। इसके लिए मैं अपने मोबाइल को OTG की जो अपनी केबल आती है, इस केबल के जरिए हम कनेक्ट कर लेते हैं डेटा केबल से। डेटा केबल से कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए डेटा केबल से हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद अब इसमें आ चुका है हमारा फ़ोन। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ हमारे साइड में तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, रिकवरी फोन डेटा, रिकवर फॉर SD, रिकवर फॉर ब्रोकन मोबाइल जो आपका टूट चुका है या फिर डैमेज हो चुका है। दोस्तों तो सैमसंग मोबाइल में आप किस प्रकार इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो उसके लिए इन्होंने एक तरीका बताया हुआ है, लेकिन कुछ समय में वो हट चुका है। फिलहाल मैं अपने मोबाइल में जो लगा हुआ है ये केबल है, इसको एक बार रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद दोस्तों क्या है कि वो ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो चलिए अब हम रिमूव करने का तरीका अपना, क्योंकि रिमूव के बाद ही वो ऑप्शन शो होंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोन में कैसे कर पाएंगे। अदरवाइज आप सभी जानते होंगे जो आपको एक ऑप्शन चालू करना होता है वो ऑप्शन ये होता है। दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ बहुत से ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन हम अपने फ़ोन को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद अब अपने फ़ोन को वापस उसमें अटैच करते हैं, उसमें लगाते हैं। लगाने के बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन शो हो चुका है कि आपको अपने फ़ोन के अबाउट ऑप्शन में जाना है, जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो दोस्तों अब हमें कनेक्ट करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर अपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ हमारे सामने एक ऑप्शन आता है एक अबाउट फोन्स का, इसमें जाना है और हमें यहाँ पर एक ऑप्शन शो होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर्स में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशंस में बिल्ड इन बिल्ड का, इस पर 3-4 बार आप टाइप करेंगे और यहाँ से आपको आपके जो भी पासवर्ड आपके मोबाइल में आपने लगा रखे हैं वो आपको डालने होंगे और आपके सामने डेवलपर मोड ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर मोड ऑन होने के बाद आपको जाना क्या है, नीचे ही नीचे आपके सामने डेवलपर मोड आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर मांगा जाएगा डीबगिंग को ऑन करने के लिए। डीबगिंग जैसे ही आप ऑन करके इसको अलाउ कर देंगे, आपका फ़ोन फुल ऑन लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करने के लिए अलाउ करेंगे और आपका फ़ोन फुल ऑन लैपटॉप में कनेक्टेड हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन को सिंपली यहाँ से बंद कर, यहाँ से ऑटोमेटिक इसको हटा दें। अब आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में कनेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर इसको, तो दोस्तों कुछ समय में आपका फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट जैसे ही अपना फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ समय का टाइम लेता है, कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद दोस्तों अब हमारे सामने कुछ ऑप्शंस शो होंगे, वो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ये डिटेक्टेड कर देगा और हमारे सामने जो जो ऑप्शंस आएंगे वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। आपको दिखने लगेंगे कि अब देखिए ये एप्लीकेशंस ये अलाउंस के लिए अलाउ करें आपके फ़ोन में आप चलकर। तो इसको एक बार जैसे ही आप इसको अलाउ कर देंगे, अलाउ करने के बाद ये आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं लगाई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फ़ोन से फोन ऑल कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद हमारे सामने बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं कि आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, मैसेज चाहिए, कॉल डिटेल चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज चाहिए, फोटोज़ चाहिए, ऑडियोज़ चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको सभी चाहिए तो आप सभी पर टिक लगाएंगे, एक नंबर चाहिए तो एक चाहिए, दो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे ये रिकवर करना है, ये रिकवर करना है, ये रिकवर करना है। आपको जो भी रिकवर करना हो आप इसके जरिए रिकवर कर पाएंगे। तो दोस्तों है ना कमाल की वीडियो। तो आज इसका आप यूज करके मैं आपको फुल ऑन बताने वाला हूं कि आप कैसे रिकवर करेंगे। फिलहाल मेरे पास कोई, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने फोटोज वीडियोस को रिकवर करूं, लेकिन इस एप्लीकेशन के जरिए आप रिकवर कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन मुझे लगी है, आप इसका यूज जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप काफ़ी हद तक बहुत कुछ कर पाएंगे। तो है ना कमाल की वीडियो। तो दोस्तों ये यहाँ से कनेक्टेड जैसे ही हो जाएगी, कनेक्टिंग कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे उनका मैं यूज़ करके आपको बताने वाला हूँ। तो कनेक्टिंग जैसे ही कंप्लीट होती है फिर मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो दोस्तों हमारी कनेक्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये हमसे मांग रहा है कि क्या आपका फ़ोन रूटेड है तो इसे अलाउ करें, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर ये स्कैनिंग कंप्लीट चलेगी। स्कैनिंग होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर रोमेनिंग टाइम दिखा रहा है जो बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक बार मैं वापस इसको निकालता हूँ पिन को अपने मोबाइल से, क्या पता अगली बार कम टाइम हमको बता दे। तो इसको एक बार मैं निकाल कर वापस लगा कर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सिंपली निकाल कर आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो निकालने के लिए आपको अपने फ़ोन में जो डेटा
केबल्स लगी हुई, इसको रिमूव करें। रिमूव करने के बाद यहाँ से ही हटते ही आपके सामने आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो इसमें कुछ समय का टाइम लगेगा, आपके फ़ोन को ये स्कैन करेगा। जैसे आपका फ़ोन फुल ऑन स्कैन कंप्लीट हो जाएगा, आप इसका यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि 55 मिनट की एक वीडियो बनाकर आपको बताऊं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसीलिए आप इसका यूज खुद ही करें, क्योंकि मुझे 55 मिनट का इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इतनी वीडियोस बनाऊं, और मैं नाइट में आपको लगभग 23:54 पर वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप लगभग 23:54 हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि इतना टाइम मैं रुकूं। तो दोस्तों आप इसका यूज जरूर करें। फिलहाल हम अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया है, एक बार और मैं अपने फ़ोन को यहाँ पर रिकनेक्ट कर रहा हूँ। रिकनेक्ट करने के लिए दोस्तों ओके बटन पर आप क्लिक करें, अपना फोन को रिकनेक्ट कर दें। आपका फोन जैसे ही कनेक्टिंग कंप्लीटेड हो जाएगा, उसके सामने वापस आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे और आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप आगे चलेंगे और आपके फोन की स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी। स्कैनिंग जैसे ही आपके फोन की चालू हो जाती है, आपको वापस वही ऑप्शन आएगा, जिसे ओके कर दें। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्कैनिंग 3% हो चुका है, और जैसे जैसे आपके फ़ोन की स्कैनिंग बढ़ेगी, धीरे धीरे आपके फ़ोन को स्कैनिंग आगे बढ़ाता जाएगा। आप इसका यूज़ ज़रूर करें दोस्तों, काफ़ी हद तक बहुत यूज़फुल है ये, तो इसका यूज़ ज़रूर करें। और फिलहाल दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज के लिए आप हमें कमेंट करें जरूर करें। दोस्तों तो आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मैं नहीं चाहता हूँ कि 11 मिनट की वीडियो लगभग बन चुकी है, 11-12 मिनट की, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा मिनट की मैं वीडियोज आपके लिए बनाऊँ। तो ये वीडियो इतने पर ही मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम की वीडियोज आपके लिए ना बना पाऊँ। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन।